दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में जोरों से सड़क निर्माण के काम चल रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कि देश का सबसे बड़ा हाईवे सड़क प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट बिहार से भी होकर गुजर रहा है और इससे बिहार को बहुत फायदा होने वाला है। बिहार में लगातार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में बिहार के स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की बात भी मीडिया में आई है। इसके साथ साथ राजधानी पटना में भी कई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 4 नए एक्सप्रेसवे बिहार में बनाने की बात की गई है। ऐसे में राजधानी पटना के आसपास कई सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। बिहार में केंद्र सरकार करीब 1700 करोड़ के खर्च से कोइलवर बक्सर 4 लेन का निर्माण करवा रही है। आने वाले समय में बिहार की सड़कें देखने लायक होंगी। बताया जा रहा है कि इस 4 लेन सड़क के बन जाने के बाद लोग पटना से आरा बक्सर होते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम समय में दिल्ली पहुंच सकेंगे। दोस्तों, यह 4 लेन सड़क आने वाले समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगी। इस 4 लेन सड़क के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाने से लोग लगभग 8 घंटे में पटना से दिल्ली पहुंच सकेंगे। इस सड़क के बनाने से आरा और बक्सर 4 लेन के रास्ते लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे तक की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। फिर अयोध्या, लखनऊ, आगरा और दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस सड़क की टोटल लंबाई 125 किलोमीटर रहेगी और इसका निर्माण 3 पार्ट में होगा। पहले भाग में पटना से कोइलवर तक 33 किलोमीटर, दूसरे भाग में कोइलवर से आरा तक 44 किलोमीटर और तीसरे भाग में आरा से बक्सर तक 48 किलोमीटर की लंबाई तक की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 2022 मार्च में तैयार हो सकती है। इस सड़क का काम पूरा होने के बाद इससे लोगों को कई सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे कि इस सड़क पर बस स्टॉप, 1 टोल प्लाजा, 4 बड़े पुल के साथ 7 छोटे पुल, ट्रक और लारी एरिया, ट्रैफिक एड पोस्ट, मेडिकल एड पोस्ट और एम्बुलेंस सेवा के साथ साथ लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।